नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं एक नई वैकेंसी के साथ। और इस वीडियो में उस वैकेंसी से रिलेटेड संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें। साथ में इस नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी ऑफिशियल साइट की लिंक भी हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएगी। आगे बात करें तो ये वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो इंस्टीट्यूट है SVRR गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल तिरुपति चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसमें निकली हुई है। आगे बात करें तो ये वैकेंसी मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या आउटसोर्सिंग बेसिस होने वाली है। और इसमें अगर पोस्टों की बात करें तो पोस्टें सबसे पहले रहने वाली हैं स्टाफ नर्स की, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें, 172 पोस्टें हैं। और परमानेंट जो पेमेंट है वो 34,000 रुपये मिलने वाली है। और मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो सारी पोस्टों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होने वाली है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की पोस्टें 5, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की 1 पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट कम कलर्क की 3 पोस्टें हैं, रेडियोलॉजिकल साइकिस्ट की जो फिजिस्ट की है 2 पोस्टें हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 7 पोस्टें हैं। लेकिन मुख्य रूप से अपने लैब स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन की ही बात करने वाले हैं। आगे क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो स्टाफ नर्स के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखी है, साथ में GNM का डिप्लोमा है, या फिर BSc नर्सिंग कर रखी है, MSc नर्सिंग कर रखी है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो और साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज की जो गणना 1/7/2020 को आधार मान के की जाएगी। मैक्सिमम एज 42 साल है तो अप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो कैटेगरी वाइज है, जैसे SC कैटेगरी होगी, ST BC, इनको 5 साल अप्रेज लिमिट में छूट मिलने वाली है। और कोई भी एक्स सर्विस मैन है वो उसको 3 साल की छूट मिलेगी जो आर्म फोर्स के हैं उन्हीं को। और जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनको 10 साल की अप्रेज लिमिट में छूट मिलने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको 300 रुपये जमा करवानी पड़ेगी। और ये जो अकाउंट नंबर, इस अकाउंट नंबर में डलवानी पड़ेगी, आंध्र बैंक का है, SVMC ब्रांच का है और तिरुपति के अंदर है। और इसका IFC कोड ये दे रखा है। इस अकाउंट में 300 रुपये आपको फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। और जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं या फॉर्म भेजते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल इसकी रिसिप्ट भी ले जानी पड़ेगी। उसके बाद अगर बात की जाए किस प्रकार अप्लाई करना है, तो इसकी ऑफिशियल साइट पे पहुँच कर आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, उसको पूर्ण रूप से फिलअप कर लीजिए और उसको आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्वयं जाकर जो इसकी ऑफिस है, ये एड्रेस दे रखा है, ऑफिस ऑफ द सुप्रिटेंडेंट SVRR GGH तिरुपति, और यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। और ये जमा करवाना पड़ेगा 15/7/2020 को शाम को 5 बजे से पहले पहले। आगे बात करें तो इससे संबंधित कुछ जानकारी हैं, आप ये देख सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म्स, इससे पहले बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए होंगे। तो इसके लिए मार्क्स मेमोज, आपकी जो भी अकेडमिक मार्कशीट्स हैं वो चाहिए होंगी, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, SSC या फिर इसके इक्विवेलेंट या डेट ऑफ बर्थ का एविडेंस हो ऐसा कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा, और इसके बाद तहसीलदार वाला चाहिए होगा, केवल स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए होंगे 4th से लेकर 10वीं तक के। और इसके अलावा सर्टिफिकेट इन रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का वो चाहिए होगा। और अगर आप पैरामेडिकल के हैं तो पैरामेडिकल का जो सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेशन वो चाहिए होगा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होगा। ओरिजिनल रिसिप्ट चाहिए होगी जो फॉर्म, जो फीस जमा करवाते हैं उसकी। इसके अलावा कोई अन्य, जैसे कोई अन्य सर्विस कर रहे हैं कहीं पर, तो NOC वो वगैरह सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। आगे बात करें तो इसकी जो डेट्स हैं, इशू ऑफ नोटिफिकेशन वो 4/7/2020 को है, लास्ट डेट इसकी 15/7/2020 रहेगी। और अप्लीकेशंस हैं वो 20/7/2020 तक आपकी क्लियर हो जाने वाली है। और जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो 22/7/2020 को निकल जाएगी। और प्रोविजनल या फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो 25/7/2020 को निकलेगी। और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर अपॉइंटमेंट है वो 28/7/2020 तक दे जाएगी, यानी काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद ये फॉर्म देर का, ये फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं या इसके ऑफिशियल साइट से प्राप्त कर सकते हैं। और इसको पूर्ण रूप से आपको फिलअप करना है। और पूर्ण रूप से फिलअप करने के बाद वहाँ पर सेंड कर देना, एड्रेस ऊपर आप चर्चा कर चुके हैं, या फिर वहाँ पर स्वयं जाकर भी आप जमा करवा सकते हैं। ये पूरी फॉर्म में देख सकते हैं इसकी पूरी प्रोसेस।
तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।